YouTube channel. How are you all doing? I hope everybody is good and great. And if you are new here, then hi, I'm Shivani and I post videos related to challenges, weight loss and vlogs. So please subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. So it's day number 15 of me trying Rujuta Divekar's diet plan and it is currently 10:30. I know आज तो काफी ज्यादा ही लेट कर दिया. तो कल रात को okay, I am on my periods. मैंने आपको कल वाले व्लॉग में भी बताया था. तो यार इस टाइम पे ना इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस हो जाती है एंड यू नो नींद ही नहीं आती. मतलब आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा. सो कल मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई. सुबह 6 बजे सोई हूँ एंड 10:30 बजे उठ गई हूँ. 4.5 घंटे की नींद पर चल रही हूँ और अभी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है. बट कोई बात नहीं, कोई कभी कभार चलता है यार ये सब. तो अभी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है एंड आई हैव टू ट्राई सम न्यू प्रोडक्ट, मतलब जो मुझे ऐसा ट्राई करना है. सो वो पी लेती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. ओके सो आप सोचोगे मैंने क्या पिया है, बट अभी ना आई विल नॉट डिस्क्लोज इट बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट. ये कोई नया प्रोडक्ट है जो मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट टू रिकमेंड यू गाइज एनी थिंग जो मैं ऐसे ही मतलब बस यू नो बिना ट्राई करे रिकमेंड नहीं करना चाहती इन शॉर्ट. तो पहले मैं खुद के ऊपर ट्राई करूंगी फॉर अ फ्यू डेज एंड अगर मुझे अच्छा लगेगा, कुछ बेनिफिट लगेगा, देन डेफिनेटली आई शेयर दिस प्रोडक्ट विद यू गाइज. या जो भी रिव्यू होगा मैं आपके साथ थोड़े दिनों में शेयर कर दूंगी. पीछे बेडशीट को थोड़ा इग्नोर कर दो प्लीज. एंड ये जो मैंने अभी ड्रिंक पी है इसके 1 घंटे तक मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, विच इज फाइन बाय मी बिकॉज मुझे अभी कुछ भूख नहीं लग रही है. तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की थोड़ी, क्योंकि साफ सफाई करनी है एंड काफी लेट भी हो चुका है. तो वो कर लेती हूँ एंड 1 घंटा जैसे खाना नहीं है तब तक मेरा वो काम निपट जाएगा क्लीनिंग वगैरह. और फिर उसके बाद जब मैं कुछ खाऊंगी तो आपसे मिल लूंगी. एंड या एंड गेट एक्साइटेड बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ना अगर ये काम करेगा तो काफी अच्छा है. मतलब जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एंड एवरीथिंग वो काफी ज्यादा अच्छे हैं. सो आई जस्ट होप कि ये प्रोडक्ट अच्छा निकले और बेनिफिशियल हो ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं. चलो अभी जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, पीछे बेड वगैरह सब साफ करना है और फिर मिलती हूँ आपसे. ओके जी, सो अभी 1 घंटा हो गया मुझे एंड आई एम प्लानिंग टू मेक मैंगो शेक. सो आई जस्ट टुक अ शावर एंड यार मेरे इतने ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना, नींद की वजह से ही हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है एंड ऊपर से बैक पेन बहुत हो रहा है ड्यू टू पीरियड्स. सो मैंने अभी शावर लिया है एंड अभी बेटर, थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ. बट हाँ ओके, सो घर का काम हो गया है एंड नाउ इट्स लंच टाइम. लंच में यार कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी तो दाल की रोटी, आई डोंट नो कितने के घर में बनती है. तो बेसिकली जो घर पे दाल बनी थी उसी का ही आटा गूंद लिया था एंड साथ में दही ले लिया है एंड थोड़ा सा मिर्च का अचार ले लिया है. एंड इसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है बिकॉज अभी तक एडिटिंग नहीं करी है. लंच करने के बाद काम पे लगना है. अभी कितनों के घर में दाल की रोटी बनती है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मोस्टली पंजाबियों के घर में तो बनती है ये वाली रोटी. सॉरी आई मीन दाल का पराठा, मैं पराठे को रोटी बोलती हूँ कई बार. सो या इग्नोर करना. हाँ दाल का दाल की रोटी नहीं है, दाल का पराठा है. ऑल्सो अभी 2:45 बजे, मैं बताना भूल गई थी. सो इट्स 2:45 एंड 3 बजे तक खत्म होगा मेरा लंच. फिर उसके बाद एडिटिंग करनी है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ देखूंगी खाऊंगी. तो ओके सो इसके बाद मैंने कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा हेडेक होने लग गया था एंड बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कैमरा उठाने की. सो आई एम गोइंग टू क्लब डे नंबर 17 इन दिस वीडियो ओनली. तो डे 16 और डे 17 इकट्ठे में डालने वाली हूँ अभी. द नेक्स्ट डे. गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज करेंटली 8:10 एंड मैं 8 बजे उठी थी, फिर फ्रेश वगैरह हुई एंड हेयर इज माय वार्म वाटर लेमन के साथ. चलो चलो हाय हाय. इसका वीडियो बना रहे हो आप? हाँ, खेलते हुए का. ओए ये ऐसे गुस्सा करती है अगर इसका कोई टॉय पकड़ता है ना. इसे पता है अगर मुंह पकड़ेंगे तो वो खींच लेंगे. छोड़ो जाना. नो. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू. या बाय बाय.
ओके गाइस, सो मैं अभी वार्म वाटर पीने वाली हूँ एंड पानी बैठ के पीना चाहिए. तो चलिए दोस्तों, बैठे आराम से. ऑल्सो गाइज, कल तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल. एक तो पेट में इतना दर्द था ड्यू टू पीरियड्स, बैक पेन था, हेड एक हो रहा था. सो मैंने कल बिल्कुल भी ज़्यादा शूट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डे 16 और डे 17 को क्लब करके डाल दूंगी. मतलब आज और कल वाला वीडियो को मैं कंबाइन कर दूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी कल शूट ही नहीं हो पा रहा था. एंड आई होप कि आज थोड़ा बेटर फील करूंगी, बिकॉज आज पेट में थोड़ा कम दर्द है. सो या, सो फॉर मील नंबर वन आई एम गोइंग टू हैव द सेम प्रोडक्ट जो मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया था, मतलब आज जो दिखाया है स्टार्टिंग में जो दिखाया होगा. सो आई एम गोइंग टू कंज्यूम दैट, क्योंकि उसके एक घंटे बाद आई हैव टू डू ब्रेकफास्ट. तो मील नंबर वन की जगह मैं वही ले लूँगी अभी के लिए. एंड हाँ, मील नंबर वन में वैसे मैं बादाम और वॉलनट लेती हूँ. अगर आप जैसे आप तो ये प्रोडक्ट नहीं ले रहे अभी, अगर नहीं ले रहे तो आप ये ले सकते हो, या तो फ्रूट ले सकते हो, बनाना, एप्पल, जो भी सीजनल फ्रूट है वो ले सकते हो. नहीं तो फिर आप सोक्ड आमंड्स और वॉलनट और रेजन्स ले सकते हो. ब्रेकफास्ट आई हैव मैक्रोनी. नाउ अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव क्वेश्चंस कि भाई मैक्रोनी क्यों खा रहे हो, वो मैदा की होती है एंड ऑल. बट मैक्रोनी इज मेड ऑफ सूजी. मतलब आप अपने पैकेट जो आप खरीदोगे, पैकेट आप वो देख सकते हो, उस पर लिखा होगा कि 100% सूजी से बनी है या फिर मैदा लिखा. अगर मैदा लिखा होगा यू कैन अवॉइड मैदा टोटली. बट अगर सूजी की है तो देर इज नो प्रॉब्लम एज सच, क्योंकि आई लव मैक्रोनी एंड हर रोज नहीं खाऊंगी ऑब्वियसली. हर रोज मैक्रोनी खाओगे तो गेन ही मिलेगा. बट अगर आप वंस इन अ वीक खा रहे हो या फिर वंस इन अ वाइल्ड, लाइक 10 दिन में एक बार ऐसा, तो आई डोंट थिंक दैट मैक्रोनी में कोई दिक्कत है. एंड इनफैक्ट पोर्शन अगर कंट्रोल करके खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. सो या, मैक्रोनी है आज. एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक रेसिपी जो मैंने हर बार शेयर करी है. सो इसमें मैं इसमें मैं मस्टर्ड सीड्स भी डालती हूँ. आई डोंट नो कितनों को ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आई लव मस्टर्ड सीड्स इन माई मैक्रोनी. फुल देसी वाला ऐसा तड़का लगता है इसमें, बेसिक राई का तड़का. एंड उसमें टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, जो भी सब्जियाँ आपको डालनी है, वेजिटेबल्स डालनी है, वो आप डाल सकते हो. एंड उसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें पीरी पीरी मसाला भी डाला है वो, एंड ऊपर से बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दी. नाउ लेट्स टेस्ट इट. थोड़ी स्पाइसी है बिकॉज पीरी पीरी मसाला डाला था, पर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है. आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो अगर आप खाते हो तो. एंड अब इसे खाएंगे धीरे धीरे, 32 टाइम्स च्यू करके खाएंगे. ओह माय गॉड, लुक एट दिस कोकोनट डूड, कितना बड़ा है ये. आई डोंट नो इसमें पानी कितना निकलने वाला है. सो मैं और मम्मा पीने वाले हैं कोकोनट वाटर. ऑब्वियसली बड़ा वाला मैं लेने वाली हूँ, बिकॉज आई एम लालची व्हेन इट कम्स टू फूड. आप भी ऐसा करते हो तो प्लीज बताना. बट हो सकता है कि इसमें कम पानी निकले और छोटे वाले में ज्यादा पानी निकले, तो डिपेंड करते हैं. जिसमें ज्यादा पानी निकलेगा मैं वो ले लूंगी. इतनी गर्मी में अगर ठंडा ठंडा कोकोनट वाटर मिल जाए तो मजा आ जाता है. ऑल्सो मलाई भी निकली है, तो मैं थोड़ी सी मलाई भी खाने वाली हूँ कोकोनट की. यम्मी. अरे पता है, मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे ना एक रेसिपी देखी थी. मतलब पॉप्सिकल्स भी बना सकते हो, वैसे भी खा सकते हो, पी सकते हो. मतलब कोकोनट वाटर में बहुत सारे फ्रूट्स डाल के और बेजल सीड्स डाल के. आई एम श्योरली गोना ट्राई दैट आउट. बहुत जल्दी लेकर आऊंगी. बेजल सीड्स एक्चुअली है नहीं घर पे, तो मैं लेकर आऊंगी एंड ट्राई करूंगी और आपके साथ पक्का शेयर करूंगी रेसिपी और जो टेस्ट होगा. एंड आई नो कि अच्छा ही होगा, मतलब कोकोनट वाटर में फ्रूट्स वगैरह अच्छा लगेगा. लंच तैयार है दोस्तों, और आज लंच के मेन्यू में है भिंडी, चना दाल एंड 1 फुल्का विद देसी घी. और आजकल ना ये देसी घी चल रहा है, अमूल शुद्ध घी. किसी ने कमेंट में लिखा था कि क्या देसी, कौन सा देसी घी यूज कर रहे हो, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही पापा ही लेकर आए हैं अमूल का शुद्ध देसी घी. सो लंच के 2-2.5 घंटे बाद मैंने कॉफी पी थी. बहुत मन था मेरा कॉफी पीने का, तो इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून के अराउंड चीनी डाली थी एंड वाइट शुगर. हाँ, एंड डिनर में मैंने दाल ली थी दोपहर वाली, एंड साथ में चावल और थोड़ा सा सैलेड. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर टॉक सेशन. सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे 5 बेसिक रूल्स टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनटेक इन योर डाइट, एंड आप लोगों को काफी मजा आया था टॉक सेशन में. सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. नाउ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 6th रूल, क्योंकि मैंने उसमें कहा था ना मैं आपको 6th रूल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ऑल्सो प्लीज इग्नोर द लाइटिंग, आई नो काफी कम लग रही होगी लाइटिंग, तो प्लीज इग्नोर करना आज के लिए. ओके, 6th रूल इज अ काम स्टेट ऑफ माइंड. सो बुक में ही लिखा हुआ है, अ काम स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली हेल्प्स अस टू अब्सॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट. बोरिंग. ओके,
Okay, how is this? A calm state of mind actually prevents conversion of food to fat. Now that's interesting, right? When your state of mind is calm and composed, you secrete the right amount of digestive juices, which means that you are now ready to take in your food, break it down, digest and assimilate it. This is when your food reaches deep inside you to all the tissues and cells which need energy. So agar aapka mind bahut jagahon par ghum raha hoga and agar aap khana kha rahe hoge, suppose aap bahut stressed ho, matlab kisi se jhagda hua hai and aap khana kha rahe ho, to us time pe jo aapke digestive juices honge wo acche se secrete nahi honge, basically apna khana digest nahi kar paoge. Aur ye saath walon ka dog bahut zyada shor kar raha hai, so please ignore karna. So calm state of mind is very very important. Next is when the mind is stressed, agitated, worked up, sad, angry and distracted, you don't secrete any digestive juices. You sure eat but nothing gets digested or absorbed because you are feeling disturbed or stressed in your mind, which the body perceives as a threat to its survival. Most of the food gets converted into fat. So jab aap agar suppose aap bahut zyada डिप्रेस्ड फील कर रहे हो या स्ट्रेस्ड हो या फिर यू नो गुस्सा हो, एंग्री हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज ही नहीं करेगी. तो मतलब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट हो जाएगा. बट वी कैन रिड्यूस आवर कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बाय लीडिंग डिसिप्लिन्ड लाइव्स, वेकिंग अप क्लोज टू सनराइज, एक्सरसाइजिंग डेली, फाइंडिंग मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड बाय कीपिंग ऑल आवर सेंसेस फोकस्ड ऑन वन थिंग एट अ टाइम. इफ यू वॉन्ट अ काम स्टेट ऑफ माइंड, यू कांट अफोर्ड टू डिसिपेट योर एनर्जीज. All your senses should be focused on one thing, which is food. That you will eat your food and food won't eat you. So basically, जो आपका state of mind होना चाहिए वो बिल्कुल relaxed होना चाहिए जब आप खाना खाते हो, और बिल्कुल भी इधर उधर कुछ सोचना नहीं चाहिए. Just sit down, eat your food. बस पूरा अपना ध्यान खाने पे रखो. जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि डोंट वॉच टीवी या डोंट गेट इनटू योर फोन्स व्हाइल ईटिंग फूड, क्योंकि उससे आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा जगहों पे घूमने लग जाता है. तो डोंट डू दैट. अपना पूरा ध्यान सिर्फ फूड पे ही लगाओ व्हाइल हैविंग इट. सो अपना पूरा ध्यान खाने पे ही देना चाहिए. सो आज का टॉक सेशन यही है एंड आई एम गोइंग टू मीट यू गाइज टुमारो. बट उससे पहले है शाउट आउट की बारी. So today's shout out goes to Silver Roses. Thank you so much for this beautiful comment. Your comment definitely made my day. Also please drop your name in the comment section because Silver Roses to aapka definitely username hoga. To aapka naam kya hai please let me know in the comments. And thank you so much once again. I'm sending lots of love and virtual hugs to you. Aur ab main milungi aap logo se kal with a new video. Tab tak ke liye dhyan rakho, take care, miss me. Kal jab video aayegi usse pehle mujhe miss karte rehna. Also please subscribe to my channel, please. मेरा चैनल शेयर करो ना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ आके वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. क्यों? आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज. तो अगर गलती से रह गया है सब्सक्राइब करना तो अभी जाओ नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का वो उसको प्रेस कर दो, साथ में बेल भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. एंड नाउ आई एम गोना मीट यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो. तब तक के लिए ध्यान रखना. बाय बाय, लव यू.